भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे आखिरी वनडे मुकाबले में आज हमने जहां ईशान किशन का कहर देखा, वहीं विराट कोहली के शतक का इंतजार अब हर कोई बेसब्री से कर रहा है। लेकिन इस बीच फैंस को एक झटका देने वाली खबर यह सामने आ रही है चिड़गांव के मैदान से कि 39वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर यहां पर अपना विकेट जो है वो गंवा बैठे हैं। कवर्स के ऊपर खेलना चाह रहे थे बड़ा शॉट, लेकिन इबादत हुसैन की गेंद पर कप्तान लिटॉन दास ने उनका बेहतरीन कैच लपका। भारत का स्कोर फिलहाल 320/3 है। भारत की पूरी कोशिश होगी यहां से कम 400 या सवा 400 रन बोर्ड पर लगाए जाए ताकि बांग्लादेश को पूरे तरीके से नस्तनाबूद किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक समय जब ईशान किशन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे तो लगा कि ये स्कोर शायद 450 भी पार हो सकता है, लेकिन आज जिस तरीके की इंटेंट भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाई है वो काफी काबिले तारीफ है। इबादत हुसैन ने इस सीरीज में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आज 9 रन प्रति ओवर से ऊपर की औसत से वो रन दे रहे थे, विकेट के लिए तरसे। लेकिन 39वें ओवर में यहाँ पर श्रेयस अय्यर की विकेट लेकर उन्होंने बांग्लादेश को एक कहर से बचाया है। हम सभी जानते हैं कि श्रेयस अय्यर भी जबरदस्त फॉर्म में इस पूरे सीरीज में बल्लेबाजी करते नजर आए हैं, लेकिन आज जब जरूरत थी तो वहां पर उन्होंने अपना पूरे तरीके से विकेट जो है वो थ्रो किया। फिलहाल कप्तान केएल राहुल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 5 पर। विराट कोहली फिलहाल 97 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शतक का इंतजार उनका अब बेसब्री से फैंस कर रहे हैं। करीब 3 साल बाद विराट कोहली का वनडे फॉर्मेट में शतक आएगा। जिस अंदाज से खिलाड़ी खेला है वो भी काबिले तारीफ है। देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से किस अप्रोच के साथ आज बड़े स्कोर तक पहुंचती है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।